नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट जॉब सीपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है, एक नोटिस जारी की है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही जिन्होंने असिस्टेंट के फॉर्म भरे हैं, जो भर रहे हैं इस टाइम, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि अब पदों की संख्या जो 1186 थी वो कुछ बढ़ गई है, 200-300 पद बढ़ गए हैं उसमें। तो आइए देख लेते हैं कि कैसे क्या है। श्रुति पत्र इन्होंने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आज जारी किया है 12 जुलाई को। तो आयोग के उक्त विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2019 के अनुक्रम में इस विज्ञप्ति के द्वारा निम्नलिखित सारणी में दिए गए कनिष्ठ के वेतन मान्य सदृश वेतन में रिक्त 270 पद, जिनके विभागवार 270 पद जो है वो बढ़ गए हैं। तो अब कनिष्ठ सहायक जो विज्ञापन आया था आपका 4 परीक्षा 2019, उसमें अब आपकी पदों की संख्या 1186 के स्थान पर 1403 हो गई है। तो इसमें कौन कौन से पद कैसे बढ़ गए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपका बढ़ा है 21 विभाग, उसमें थे 22 विभाग पे आ गया आपका निदेशक प्राविधिक शिक्षा टेक्निकल एजुकेशन जो है होता है, इसमें आपके 167 पद हैं, ये आपके सीधे सीधे बढ़ गए हैं। प्राविधिक शिक्षा में निबंधक फर्म सोसाइटीज़ एवं चिट्स, ये पहले पिछली भर्ती में भी था तो ये पद पूरे नहीं हो पाए थे, तो बैकलॉग भर्ती इसको माना जाएगा। 16 पद इसमें आपके बढ़ गए हैं। निदेशक समाज कल्याण 24 नंबर पे, इसमें आपके 22 पद बढ़ गए हैं। और 25 नंबर पे निदेशक मूल्यांकन प्रभाग नियोजन संस्थान काला कांकर भवन लखनऊ, इसमें आपके 2 पद हैं कुल मिला के। और उसके बाद 26 नंबर महानिदेशक संस्थागत वित्त बीमा वाह सहायतित परियोजना, इसमें आपके 6 पद हैं जो है कुल वो बढ़ गए हैं। 27 नंबर पर निबंधक राज्य उपभोक्ता विवाद पर प्रतितोष आयोग जो है, तो इसमें आपके 4 पद बढ़ गए हैं। तो कुल मिला के आपके 217 पद वो बढ़ गए हैं, जनरल के 130 और उसी एससी एसटी ओबीसी के जनरल के 130 हैं, एससी के 40, एसटी के 2, ओबीसी के 45। तो ये आपका कुल 270 पद जो है ये बढ़ गए हैं, बाकी सारी चीज़ें आपकी वही रहेंगी जो पहला था। तो कुल रिक्त पदों की संख्या आप 1403 हो गई है, 6 विभागों के 217 पद को जोड़कर आपके जो 1186 पद पहले थे वो आपका 1403 पद हो गए। आवेदन सब प्रारंभ करने की जो 26 जून थी, 20 जुलाई आपका लास्ट डेट है और 27 जुलाई तक आप उसमें संशोधन कर सकते हैं।